देख रहे हैं पिटौंटे न्यूज़। डीएमके द्वारा बनाई गई समिति ने रोडवेज बस अड्डे के संबंध में जमीनों का किया निरीक्षण। अब खबर विस्तार से। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा रोडवेज बस अड्डे को लेकर बनाई गई समिति ने जमीनों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने की बात कही। सहारनपुर में रोडवेज बस अड्डे के निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा रोडवेज बस अड्डे को बनाने के लिए तैयारियां की जा रही है। सहारनपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र के द्वारा रोडवेज बस अड्डे के संबंध में एक समिति बनाई गई, जो जमीनों का मूल्यांकन कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र ने बताया कि डीएम साहब के द्वारा एक समिति बनाई थी, जिसमें समिति के द्वारा निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना है। उसी के क्रम में आज रोडवेज बस की जमीन का और आवास विकास की जमीन का आज निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण कर दोनों जमीनों के मूल्यांकन की रिपोर्ट को सबमिट किया जाना है। जमीनों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा बनाई गई समिति में शामिल कई अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, रोडवेज बस स्टैंड का यहाँ पर निर्माण होना है, जिसके क्रम में रोडवेज की जमीन का आवास विकास की जमीन से एक्सचेंज किया जाना है। उसी के क्रम में डीएम साहब के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जिसमें समिति को दोनों जमीनों को वैल्यूएशन करके रिपोर्ट सबमिट करना है। उसी के क्रम में आज रोडवेज की जमीन का और तदुपरांत आवास विकास की जमीन का आज यहाँ पर साइट विजिट की गई है, और विजिट करके दोनों जमीनों के मूल्यांकन की रिपोर्ट इसको सबमिट किया जाना है। तत्क्रम में आज ये डीएम साहब के द्वारा गठित समिति ने आज दोनों जगह का मौका मिलाने दिया है, और उसको शीघ्र ही एक दो दिन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। जनता में जो है स्थायी बस अड्डा नहीं मिल रहा है, कब तक है? अब ये तो खैर शासन की प्रक्रिया है, हमें अपना जो काम निर्देशित किया गया था जिस काम के लिए, जिसमें जमीन का वैल्यूएशन किया जाना था, उस काम के लिए आज ये समिति आई हुई है और अपनी विजिट करके अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सबमिट करेगी। धन्यवाद।